हेलो बच्चो लेट सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन से इज दैट वाट इज कॉमन टू आर्थव मशरूम सॉइल माइट्स डांग बिटेल इन एन इको सिस्टम तो आ जाओ बच्चों थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं चीज़ों को अच्छे समझ लेते हैं तो क्वेश्चन को हम बहुत ईजीली हैंडल कर पाएंगे है ना बच्चों तो अगर हम पॉइंट वाइज बात करें आर्थम कौन है हमारे पास आर्थव है और कौन है हमारे पास मशरूम प्रेजेंट है कौन है बच्चों मशरूम प्रेजेंट है और कौन है सॉइल माइट्स वगैरह कौन है सॉयल माइट्स वगैरह और कौन है डंग बीटेल वगैरह कौन है डंग डिटेल वगैरह है ना कौन कौन है माइट्स वगैरह डंग बीटेल वगैरह ये सारे हमारे पास अभी प्रेजेंट है तो ये जो सारे हैं ये हमारे कहाँ पे पार्ट लेते हैं दे हेल्प इन द डिकम्पोजिशन प्रोसेस कहाँ पे पार्ट लेंगे हेल्प इन द डिकम्पोजिशन प्रोसेस हेल्प क्या बोल सकते हो बच्चों हेल्प इन द डिकम्पोजिशन प्रोसेस हेल्प इन आवर डिकम्पोजिशन प्रोसेस हमारे डिकॉम्पोजिशन प्रोसेस में इनका काफी ज्यादा रोल रहता है डिकॉम्पोजिशन प्रोसेस है ना तो ये सारे हमारे कहाँ पे पार्ट लेंगे कहाँ पे पार्ट लेंगे बच्चों जरा बताओ दे ऑल आर पार्ट ऑफ दे ऑल आर पार्ट ऑफ पे बच्चों दे ऑल आर पार्ट ऑफ डेट्राइटस फूड चेन हमारे डेट्राइटस फूड चेन पे मिलते हैं दे ऑल आर पार्ट ऑफ डेट्राइटस फूड चेन है ना बच्चों तो सिमिलेरिटीज क्या है इन सब बीच में कि वो सारे डिकॉम्पोजिशन के प्रोसेस में पार्ट लेते हैं और वो सारे फूड चेन में प्रेजेंट होते हैं तो हमने क्या देखा बच्चों आरतुआम मशरूम सॉयल माइट्स डंग बिटेल इन इकोसिस्टम पे इनमें क्या कॉमन चीज है ये कॉमन चीज है कि सारे डिकॉम्पोजिशन के प्रोसेस में पार्ट लेते हैं और सारे फूड चेन में भी प्रेजेंट होते हैं तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल बेस्ट ऑफ लक बच्चों